ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्थिताय नागायनाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुखिदिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृति धियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस्य लज्जा ताम त्वां नतास्न परिपालय देव विश्वम्। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य और आज हमारे इस चैनल आचार्य वाणी पर आपका हम स्वागत करते हैं। और आज का विषय हमारा है कि तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग किस प्रकार का बनने वाला है जून के अंतिम भाग में। देखिए, जून का महीना कई परिवर्तनों का प्रतीक है और जून के अंतिम भाग में कई ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। जून के आरंभ में बृहस्पति महाराज उदय होकर सुंदर तरीके से आपकी राशि के अनुसार से आगे बढ़ने के योग बनाए और अब इस जून के अंतिम भाग में एक बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। एक तो शनि महाराज विशेष तौर पर वक्री होने जा रहे हैं। आपकी जो राशि के अनुसार से हम बात करें तो शनि योग कारक हो जाते हैं, यानी केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं, बड़े शुभ ग्रह हो जाते हैं। आमतौर पर शनि महाराज के लोग प्रकोप से डरते हैं, लेकिन तुला राशि वालों के लिए शनि का शुभ योग इस प्रकार का होता है कि वो योग कारक होता है, यानी उनकी कुंडलियों में उनकी राशियों के हिसाब से वो ग्रह बहुत शुभ होता है, अशुभ प्रभाव नहीं उत्पन्न करने वाला होता। तो वही ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। पंचम भाव में वक्र गति से जिस प्रकार से शनि का योग बनेगा, बुद्धि पर आपको थोड़ा सा दृष्टिपात करना पड़ेगा। बुद्धि सीधे तरह से काम होने वालों को यानी घुमाकर देखने का प्रयास करेगी। शनि बुद्धि भाव में चल रहे हैं और वक्र गति यानी अपने वक्र उल्टी गति से चलने का उनका क्रम आरंभ होने वाला है आने वाले 3-4 महीनों के लिए। तो क्या कुछ प्रभाव होगा वो आपको अच्छे से समझना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण भावों के स्वामी, भाग्य के स्वामी बुध ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और वो राज्य भाव में प्रवेश करने के योग बनेंगे। और इन सब का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ होने वाला है वो आपको सिलसिलेवार तरीके से समझ लेना चाहिए। इस स्थिति विशेष तौर पर समय में एक और महत्वपूर्ण योग बनने वाला है। इस समय में एक तिथि में जो एक पक्ष होता है, जो 15 भारतीय संस्कृति में महीने में दो पक्ष माने जाते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। आषाढ़ के महीने में जो पक्ष आरंभ हो रहा है, जो कृष्ण पक्ष है, उसमें दो तिथि क्षय हो रही हैं, यानी 15 दिनों में का पक्ष केवल 13 दिनों में रह जाएगा। प्रतिपदा द्वितीया भी विशेष तौर पर दो तिथियां क्षय होंगी। प्रतिपदा स्वयं क्षय होने जा रही है 22 तारीख को और उसके बाद चार यदि उसी पक्ष में अंतिम में बात करें तो चतुर्दशी भी क्षय हो जाएगी। ये जो शुभ जो स्थिति एक पक्ष में दो तिथियां क्षय होने का योग है, ये अशुभ बहुत शुभ नहीं है, अशुभ योग माना जाता है। प्राकृतिक आपदाओं का योग माना जाता है, यानी अशांति का योग माना जाता है। कई गलत कार्यों के लिए इस समय थोड़ा सा परेशान करने वाला हो सकता है। तो इसलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको समझना चाहिए ग्रह नक्षत्र आपके लिए क्या कुछ योग बना रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 21 जून की। 21 जून को शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी उस दिन तिथि है, उदय तिथि के रूप में विद्यमान रहेगी, लेकिन बहुत छोड़ी देर के लिए, करीब करीब सुबह 7:30 बजे के आसपास पूर्णिमा का आगमन हो जाएगा। और विशेष तौर पर उसी दिन सत्यव्रत करने का सुंदर योग है। और ग्रहों का देखें तो विशेष तौर पर आपके लिए जो समय दिखाई देता है वो अनुकूल दिखाई देता है। गुरु स्थिति आपके लिए सुबह सुबह से लेकर आगे बढ़ने का जो समय है वो अच्छा दिखाई देता है। आपके कार्यों की कुछ प्रशंसा होने के योग बन सकते हैं। माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखें। जो भी कार्य करना है सुबह सुबह माता पिता का आशीर्वाद लेके करने का प्रयास कीजिए, उसमें विजय प्राप्ति के योग बन सकते हैं। तो ये शुभ योग है, ग्रह नक्षत्र आपके लिए अच्छे बने हुए हैं। ध्यान रखिएगा इस दिन सत्यव्रत भी है, तो भगवान सत्यनारायण की पूजा अवश्य करें। इस कलिकाल में भगवान सत्यनारायण समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाले देवता माने जाते हैं। साथ साथ ज्येष्ठा नक्षत्र और अगले दिन मूल नक्षत्र का योग दिखाई देता है, तो जो जातक जन्म लें इस समय में उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा। ये एक बहुत विचारणीय विषय है कि मूल शांति अवश्य करा लेनी चाहिए, नहीं तो जब तक मूल शांति जीवन में नहीं होती है, जो व्यक्ति मूल में जन्म लिए हैं उनके घर परिवार के लिए, व्यक्ति स्वयं के लिए जीवन में बहुत भारी योग बनते हैं। 22 तारीख की यदि हम बात करें तो शनिवार का अवसर, पूर्णिमा उस दिन तिथि है और साथ साथ आषाढ़ की प्रतिपदा भी उसी दिन पड़ रही है। पूर्णिमा थोड़ी देर रहेगी, उसके बाद प्रतिपदा आ जाएगी आषाढ़ की, लेकिन आषाढ़ की प्रतिपदा इस दिन क्षय हो जाएगी।
ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव के अनुसार से समझें तो ये क्षय तिथि जो है शुभ नहीं मानी जाती, यानी कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो उसके लिए कतई तिथि शुभ नहीं है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए कुछ नया उत्साहवर्धक कार्य यानी हिम्मत में कुछ नया कार्य होने के योग दिखाई देते हैं। चंद्रमा का प्रवेश जिस तरह से पिछले दिन, विशेषतौर पर हम बात करें शुक्रवार के दिन, धनु राशि में जो हुआ है वो आपके लिए अच्छे योग बना रहा है, पुरुषार्थ में वृद्धि करने के योग दे रहा है। सुबह सुबह भगवान शंकर का ध्यान करें, जो हौल हो सके तो थोड़ा तेल के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। शनिवार का अवसर है, शनि आपके लिए आने वाले समय में वक्री होने का योग बनाएंगे, वो विशेष तौर पर कुछ नेगेटिव जो प्रभाव उत्पन्न करेंगे उसके लिए पहले से व्यवस्था करने का प्रयास कीजिए। तेल के द्वारा ओम नमः शिवाय का जप करते भगवान शिव का अभिषेक करना आपके लिए पूरी तरह शुभ रहेगा और समस्त कष्टों को दूर करने के योग बनाएगा। इन दिनों राहु महाराज आपके छठे भाव में चल रहे हैं और जो अननेसेसरी की वरी थोड़े बढ़ाने के योग दे सकते हैं तो उसको ठीक करने के लिए भी ये उपाय करना बड़ा अच्छा दिखाई देता है। 23 तारीख की यदि हम बात करें तो 23 तारीख को रविवार का अवसर है, द्वितीया तिथि विराजमान है और ग्रह नक्षत्र जो आपकी राशि के अनुसार से कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो बड़ा अच्छा दिखाई देता है। समय को यूटिलाइज करने का आपको प्रयास करना चाहिए, फालतू कामों में समय बर्बाद करने का प्रयास मत कीजिएगा। ग्रह आपके लिए उचित बने हुए हैं, सही दिशा में काम करने का प्रयास कीजिए। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है आपके ग्रहों को देखकर आपकी राशि के अनुसार से कुछ फालतू के काम आपके पल्ले पड़ सकते हैं जिनका आपसे कोई लेना देना ना हो, ध्यान रखिएगा। देखिए इस वक्त आपके भाग्य में कई ग्रहों की सुंदर युति बनी हुई है, भाग्य से बहुत सारे काम आपके लिए समय ऐसा आया है कि जो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ है, तो थोड़े स्वार्थी बनकर अपने समय को अपने लिए यूटिलाइज करने का यदि प्रयास करेंगे, अपने रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर आशीर्वाद मिलेगा। कोशिश ये करें, भाग्य में सूर्य चल रहे हैं उनको शांत करने के लिए रविवार के दिन भगवान सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा, ये बहुत सुंदर उपाय है। भगवान सूर्य का ओज अपने ग्रहण कर लेने से कई प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और भाग्य से उन्नति करने के योग भी बन सकते हैं। 24 तारीख की यदि हम बात करें, सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन भद्रा का योग है करीब करीब दोपहर को 2:24 के बाद से, तो नए कार्यों का आरंभ करना के योग बन रहा हो तो खासतौर पर ध्यान रखिएगा दोपहर 2:30 से पहले का समय यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से ग्रह दिखाई देते हैं, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए मौसम थोड़ा गर्म चल रहा है, परिवर्तन की तरफ जा रहा है, ऐसे में थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सोमवार का अवसर है, भगवान शिव का मंत्र ओम हौं जुं सः ओं भूर्भुवस्वः ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुव भू ओं सह जुं हौं ओं। ये महामृत्युंजय मंत्र है, इसका यथाउचित भाव से जप करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। आपके लिए कार्य स्वास्थ्य ध्यान रखना बस, बाकी सब कार्यों में धीरे धीरे उन्नति प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन अननेसेसरी के झगड़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए। मंगल इन दिनों जबरदस्ती क्लैश करवा रहा है, अगले दिन मंगलवार भी है, उसका उपाय हम बताएंगे आपको, ध्यान रखते हुए कार्य कर लीजिएगा। 25 तारीख की यदि हम बात करें तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बड़ा विशेष योग बन रहा है। इस दिन मंगलवार है, चतुर्थी तिथि, और मंगल और चतुर्थी का जब संयोग बनता है तो कहा जाता है ये मंगल का जन्मदिवस हो जाता है, तो ऐसे में शुभ योग बन रहा है। और इन दिनों मंगल पर दृष्टि चल रही है, विशेष तौर पर शनि की। मंगल स्वग्रही हैं, शनि भी स्वग्रही हैं, और लेकिन जो दृष्टि पड़ रही है मंगल पर शनि की वो अननेसेसरी क्लैश पड़ाती है, परिवार में अशांति देने के योग देती है, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा शांत रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, शांत रहकर कार्य करेंगे तो आपके लिए शुभ ग्रहने के योग बन सकते हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। विशेष तौर पर अंगारक चतुर्थी का योग बन रहा है और इस दिन बुध ग्रह उदय भी होने जा रहे हैं, मिथुन में चल रहे बुध, भाग्य में चल रहे बुध उदय होने से भाग्य में 4 लगने के योग बन सकते हैं, क्योंकि भाग्येश उदय हो जाए तो कहा जाता है कई प्रकार से लाभ बन जाता है। और वहाँ सूर्य शुक्र की युति जिस प्रकार से बनी हुई है, त्रिग्रह योग की युति बनी हुई है, ऐसे में बुध वहाँ के स्वामी होकर उदय हो जाए तो ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बन रहा है। लेकिन मंगल को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। देखिए अंगारक चतुर्थी है तो हमने इस और साथ साथ जेठ का महीना चल रहा, जो समय चल रहा है, तो ऐसे में विशेष तौर पर हनुमान जी का स्तवन करने का प्रयास करें। हनुमान जी का स्तवन करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा, आगे बढ़ने के योग बनेंगे। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, हो सके तो हनुमान जी का पाठ कर लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, ये सब आपके लिए। लेकिन शांत रहिए, अननेसेसरी के झगड़ों को मत पालिएगा, दूसरे के जहाँ झगड़े हो रहे हैं कोई रास्ते में दिखाई दे जाए आप भी खड़े हो जाएँ देखने के लिए, और
आए और पुलिस वाले आपको भी कहें चल भाई चल तू भी खड़ा था यहाँ पे, ऐसे योग बन सकते हैं। यानी दूसरों के झगड़ों से दूर रहने हुए, जहाँ गली में जिस तरह कोई क्लैश चल रहा हो, कहीं किसी का कोई क्लैश कोई झगड़ा चल रहा हो, वहाँ थोड़े दिन अवॉइड करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो आप भी उस मुकदमे में मुकदमेबाजी में खींचे जा सकते हैं। ऐसा योग बन रहा है तो हनुमान जी का स्तवन करना बहुत ज़रूरी है, शांत रहकर कार्य करना बहुत ज़रूरी है। 26 तारीख का समय बुधवार का दिन और पंचमी तिथि विराजमान है और ये ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो सुबह सुबह 1:48 पर चंद्रमा कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं और ये आपके लिए अच्छा योग दे रहे हैं। शनि के साथ चंद्रमा की युति जिस प्रकार से बनी हुई बनेगी ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेगा। मन और अंतःकरण एक होकर यानी विचारों को एक कर और बुध भी जाग चुके हैं और ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बन रहा है। ऐसे में ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया समय है, आपको अपनी चिंता करने की ज़रूरत है, दूसरों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। कई बार हम क्या करते हैं, कार्य करते वक्त ये सोचते रहते हैं सामने वाला क्या कार्य करेगा, सामने वाले का क्या प्रभाव होगा, सामने वाला कहीं मेरा अहित ना कर दे। आज के दिन ऐसा योग बन रहा है 2-3 दिन के लिए विशेष तौर पर, जो आपका अहित सोचेगा अपना ही अहित कराएगा। कई बार होता है ना कि हमारे मन में किसी के प्रति हीन भावना आई, वो हीन भावना तो आई लेकिन नुकसान हमारा ही हो गया, वो ऐसे योग बन रहे होते हैं व्यक्ति कई बार। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, मस्त होकर काम करने का प्रयास कीजिए। कोई भी आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा होगा तो अपना ही नुकसान करवाएगा, तो ध्यान रखिए। आप गणेश जी का स्तवन करें, श्री गणेश का स्तवन करें, हनुमान जी का स्तवन करें और गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित कर सुंदर कार्य करने का प्रयास कीजिए। ओम गंगणाधिपतये नमः, ये मंत्र आपके लिए समस्त प्रकार से शुभ रहेगा। 27 तारीख का अवसर गुरुवार, षष्ठी तिथि विराजमान है और साथ साथ रोहिणी के द्वितीय चरण में बृहस्पति प्रवेश करने जा रहे हैं। देखिए रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र माना जाता है और चंद्रमा रोहिणी बृहस्पति जब चंद्रमा के साथ संबंध बनाते हैं तो बहुत शुभ योग बनते हैं। ऐसे में धन के मामले में आपका ग्रह बड़ा अनुकूल दिखाई देता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मन में इन दिनों जो अननेसेसरी की संसार से विरक्ति का भाव उत्पन्न हो रहा है, अननेसेसरी संसार में थोड़ी रस्ता कम होती चली जा रही है, वो थोड़ा सा संसार के साथ डिटैच है। ठीक है, संसार तो अवश्यम जिस प्रकार का है, लोग जिस प्रकार के हैं, लेकिन उनके संसार के साथ में संसार में रहकर संसार के साथ जुड़ना है, तो कोशिश ये कीजिए इस वक्त आपके लिए अच्छा रहेगा, पीली चीज़ों का दान करें, ब्राह्मणों की सेवा करें। बृहस्पति थोड़े विचित्र अवस्था में चल रहे हैं इन दिनों, आपकी राशि के अनुसार से रोहिणी में द्वितीय भाव में परम चरण प्रवेश कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक तरह से अच्छा दिखाई देता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल बृहस्पति का जो मूवमेंट इस पार इस समय चल रहा है आपके लिए वो थोड़ा सा इस संसार के कर्मों को देखकर खेलों को देखकर थोड़ा सा मन विरक्त होने के योग बन सकते हैं, लेकिन संसार आदिकाल से ऐसा रहा है, ना तो यहाँ कोई किसी का है ना कोई किसी का रहता है। जब तक आपके पास आपकी व्यवस्थाएँ अच्छी हैं तब तक लोग आपके साथ रहते हैं और जब व्यवस्थाएँ बिगड़ने लगती हैं लोग भागने लगते हैं, ये संसार ऐसा ही है, तो इस बात का ध्यान रखें। इसलिए ज्ञान की उपासना करने का प्रयास करें, ज्ञानियों का साथ देने का प्रयास करें, ज्ञानियों से आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। तो हमने कहा ना पीली चीज़ों का दान करें, वो इसी चीज़ के लिए आपके लिए शुभ रहेगा। 28 तारीख का अवसर शुक्रवार का दिन, सप्तमी तिथि विराजमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से ग्रह थोड़े हल्के दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य के मामले में अत्यधिक सावधानी बरतने का आपको प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा 6 भाव में 4:30 बजे प्रवेश कर रहा है और ये स्वास्थ्य के मामले में अननेसेसरी की थोड़ी दिक्कतें बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ पुनर्वसु नक्षत्र में शुक्र विशेष तौर पर जो मिथुन राशि में चल रहे हैं वो भी प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और बृहस्पति महाराज का भी जिस प्रकार का जो पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र माना जाता है और वहाँ शुक्र का जो विशेष तौर पर प्रवेश हो रहा है वो विशेष तौर पर थोड़ा सा ध्यान करने योग्य है। शुक्र और बृहस्पति की आपस में क्लैश और ऐसे में बुद्धि दुविधा में फंस सकती है, ध्यान रखते हुए कार्य करें। माँ दुर्गा की उपासना करने का प्रयास करें, अष्टमी तिथि है, सप्तमी के उपरांत अष्टमी आ गई है तो कालाष्टमी का योग बन गया है, तो ऐसे में दुर्गा जी की उपासना करें। ओम विशेष तौर पर सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करके यदि कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मन को शांत रखते हुए कार्य करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 2-3 दिन ग्रह थोड़े भारी दिखाई देते हैं। 29 तारीख का अवसर शनिवार, अष्टमी तिथि उदयातिथि के रूप में विद्यमान है और इस दिन 2-2 ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। कर्क राशि में बुध प्रवेश कर रहे हैं परिवर्तन करते हुए दोपहर को करीब करीब 2:02 पर और साथ साथ शनि महाराज भी वक्री होने जा रहे हैं रात्रि में 12:40 पर और ये परिवर्तन बहुत विशेष रहेगा। बुद्धि को ध्यान रखिएगा, एक तरह से तो शनि और शक्ति संपन्न हो जाते हैं। शनि स्वग्रही होकर पंचम भाव में बैठे हैं और वो वक्री हो जाएंगे तो कहा जाता है कि जिस प्रकार से गाड़ी जब फंस जाती है कहीं किसी गड्ढे वगैरह में तो कई बार आप रिवर्स गियर लगाते हैं कभी फॉरवर्ड गियर लगाते हैं, रिवर्स गियर जब लगाते हैं तो शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है, पीछे जाकर गाड़ी आगे जाने में बहुत शक्ति लग जाती है गाड़ी की, तो ऐसे में यानी शनि और प्रबल हो जाएंगे। तो
तो ऐसे में बस शनि का प्रभाव थोड़ा सा आलस प्रतीक है, थोड़ा सा जिद प्रतीक है, उसको अवॉइड करने का प्रयास करें। शनिवार का अवसर है, शनि स्तोत्र का पाठ करें, वो सबसे श्रेष्ठ रहेगा। बुध का परिवर्तन भी आपके लिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सुंदर बनता दिखाई दे रहा है। 30 तारीख का अवसर और रविवार का दिन, नौमी तिथि विद्यमान है और दो दो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। विशेष तौर पर रात्रि में 12:00 करीब करीब 40 मिनट पर, यानी आज की तिथि में 30 तारीख को 00:40 पर विशेष तौर पर ये जो योग बना है, शनि महाराज मार्गी हो गए, वक्री हो गए हैं, ये आपको थोड़ा सावधान करते दिखाई दे रहे हैं। वक्री होने का मतलब बुद्धि थोड़ा सा कार्यों को सीधी गति से कार्य करने के बजाय घुमाकर पकड़ने का कॉन्सेप्ट को प्रयास कर सकती है, तो ऐसा थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करिएगा। चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वो नई शक्ति का सृजन करते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा मंगल की युति हो रही है तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, तो नई शक्ति रहेगी। और जैसा हमने कहा कि शनि महाराज सुपर पावर में आ गए हैं, यानी वक्री हो गए हैं, आखिरी बार वक्री होने का योग बन रहा है इनका इस कुंभ राशि में चलते हुए, तो ये आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। वैसे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे पूरा जो शनि वक्री होने पर क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा, कैसे उससे आपको उसके प्रभाव को और बढ़िया करने के लिए, आपके जीवन में शुभ करने के लिए उसका कैसे लाभ लेना है, उसमें अच्छे से समझ सकते हैं चीज़ों को आप। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण संसार में होता है। क्या परा क्या अपराप्रति, क्या व्यक्ति क्या जीव, क्या विशेष तौर पर संसार के कण कण पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है और उसी से परिवर्तन का योग बनता है। पराप्रकृति हमेशा परिवर्तनशील है और उस परिवर्तन को पढ़ने का तरीका शास्त्र में जो विद्यमान है वो ज्योतिष विज्ञान है। ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन से जो गणनाएं होती हैं, उन गणनाओं के द्वारा हमारे ऋषि मुनियों ने सुंदर एक व्यवस्था बनाई कि भविष्य में उसका प्रभाव क्या कुछ होने जा रहा है। और आप देखिए, आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करें, आमतौर पर हम जन्मपत्री को जब देखते हैं तो जन्मपत्री क्या है आपका? जन्मपत्री जिस वक्त व्यक्ति का जन्म होता है उस वक्त एक ग्रह नक्षत्रों का खाका बनकर आता है कि आपने पूर्व जन्म में क्या क्या कर्म किए थे, उसके प्रभाव से व्यक्ति ने जिस समय पर जन्म लिया उस समय एक लेखा जोखा निकल कर आया कि ये कर्म के प्रभाव से आपको आने वाले समय में ये सब चीज़ें प्राप्त होने के योग हैं। और उस दिन से जब जन्म लिया तो यानी अब आप ये समझ लीजिए, जैसे आप एक इसको ऐसे समझें कि आप बैलेंस शीट बनाते हैं, CA बैलेंस शीट बनाता है ना, 31 मार्च तक को ईयर एंडिंग में एक बैलेंस शीट बना दी गई और उससे क्या प्राप्त हो गया कि इस पूरे साल में क्या लेखा जोखा आया, क्या कमाई की, क्या लॉस हुआ और कितना अच्छा कार्य किया, आपके लिए सरप्लस कितना रहा, डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है, आपके खर्चे में क्या आगे आने वाले समय में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, तो वही प्रभाव है। यानी 1 अप्रैल से जब नया कार्य आरंभ करते हैं तो वो सब चीज़ें आपके लिए होते हैं। अब या तो उसको बैठ के खा लो, या जो नुकसान है उसको बैठ के रो लो, या कर्म कर लो, उसको और बढ़ाने का प्रयास करो, शुभ रूप करने का प्रयास करो। तो यही प्रभाव ज्योतिष के विज्ञान के अनुसार से है कि जन्मपत्ति तो केवल लेखा जोखा है, आपने पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से पूर्व जन्म जो किया और अब आगे बढ़ने के लिए कौन से कर्म आपको सही चाहिए, कैसे कर आप उसको ठीक कर सकते हो, यही विज्ञान है। यही ज्योतिष ने बहुत सुंदर तरीके समझने का प्रयास किया और हमारा इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष जुड़ने का यही अर्थ रहता है कि हम आपको बताएं कि सही दिशा कैसे रहेगी, कौन सी दिशा पर आपको चलकर क्या कुछ कहाँ हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, कहाँ रास्ता स्मूथ है, कैसे आपके जीवन में आप ग्रह क्रम जो है, घटनाएं जो है, वो किस दिशा में आपको ले जाने का प्रयास कर रही हैं और कैसे आपको उसको अपने जीवन में लाभ के लिए, शुभ के लिए यूज कर सकते हैं। शास्त्र कहता है बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा। इस संसार में मनुष्य तन जो है, शरीर जो है, बड़े भाग्य से मिलता है और उसको ऐसे ही बेकार ना करें। विज्ञान के अनुसार से, शुभ योगा योग के अनुसार से चीज़ों को समझते हुए उसको हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, सही मार्ग पे अपने आप को डालने का प्रयास करना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट करने का धंधा नहीं है। आप हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अनुसंधान कर बहुत सुंदर तरीके से जीवन को चलाकर सुंदर व्यवस्था बनाने का, सुंदर जो व्यवस्था है अनादिकाल से व्यवस्था करने का प्रयास किया। आज हम मूढ़ हैं जो अपनी संस्कृति पर विश्वास नहीं करते। विश्व में बहुत सारे लोग आज हमारी संस्कृति पर, इस ज्योतिष विज्ञान पर विश्वास कर रहे हैं। हमारे पास बहुत विदेश से भी बहुत लोग आते हैं, जुड़ते हैं और जब ज्योतिष विज्ञान का चमत्कार उनके जीवन में वो समझ में आता है तो बहुत बढ़िया से उसको समझकर उसको जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। और आपके साथ बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए अच्छे हैं, ये बात बहुत ज़रूरत है विचार करने की। देखिए, आपका अलग भाग्य नहीं बनता है, आपके आसपास जब आपका भाग्य जागता है तो यानी आपका धन लाभ हुआ तो सोचो उस वक्त कितने लोगों के को लाभ होने के योग बनेंगे, वो आपके साथ जुड़े होंगे। और यदि आपका भाग्य खराब हो रहा है तो जो आपके साथ जुड़े उन सबका भी कईयों का भाग्य खराब हो रहा हो। एक मंत्री बने व्यक्ति, आप ये समझें उनके साथ कितने लोग जुड़े हुए थे, कितने लोगों का उद्धार हो गया,
कितने लोगों की और प्रोग्रेस हो गई, किन किन को कौन कौन सा उनके अनुसार से जुड़े हुए लोगों को क्या क्या प्राप्त हुआ, यानी उन सब के भाग्य ने भी जोर मारा। इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि जो लोग हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे साथ व्यवसाय कर रहे हैं, हमारे साथ काम धंधा कर रहे हैं, हमारे अनुचर हैं, क्या उनके भाग्य में कोई समय खराब तो नहीं। मैं आपको बहुत पुरानी घटना बताता हूँ। एक व्यक्ति था और एक लाला जी के पास काम करता था। ज्योतिषी जी महाराज गए और बोले, महाराज इस व्यक्ति को हटा दो, इस व्यक्ति की आंखों में मुझे शनि दिखाई देता है। और लाला जी ने नहीं माना और वो व्यक्ति उसकी शनि की महादशा या कुछ खराब योग रहा होगा और पूरा बिजनेस व्यवसाय उन सब को लेकर कई बार से वो नुकसान करा गया। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका ही भाग्य केवल जोर मार रहा है। आपका भाग्य तो जोर मार रहा है, लेकिन आपके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग, जब शुभ होने वाला होता है तो सारे लोग आपके साथ शुभ जुड़ जाते हैं। एक घटना और बताता हूँ आपको, बहुत पुरानी घटना है और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इसको समझना चाहिए। एक ज्योतिषी जी एक बार रेल यात्रा कर रहे थे और रेल यात्रा में जैसे पंडित जी जब जाते हैं, पुराने ज़माने में तो वो व्यवस्था होती थी कि क्लास में सब लोग जनरल बॉडी में एक साथ बैठे होते जनरल बोगी के अंदर। तो पंडित जी को देख के एक व्यक्ति ने हाथ दिखाया। पंडित जी ने हाथ देखा और अच्छे मर्मज्ञ थे विशेष तौर पर पामिस्ट्री के, उन्होंने देखा व्यक्ति की मृत्यु आ रही है। उन्होंने उसको थोड़ा शब्द शांतिशालीनता से समझाने का प्रयास किया, स्वास्थ्य का ध्यान रखा। ऐसे में दूसरे व्यक्ति ने और कहा कि महाराज मेरा भी हाथ देखो। जब उन्होंने हाथ देखा तो भाई चांस मृत्यु फिर दिखाई दे रही है। तीन चार लोगों ने हाथ दिखाया तो पंडित जी ने देखा कि सबके मृत्यु के योग बिल्कुल सन्निकट दिखाई दे रहे हैं। पंडित जी के दिमाग में कुछ खटका हुआ, उन्होंने लगा कुछ अशुभ होने वाला है। वो अगले स्टेशन पर उतर गए, आगे जाके इस रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। ये मेरे पिताजी ने मुझे घटना बताई और ये सत्य माने कि उन व्यक्ति जो पंडित जी थे उन्होंने पिताजी को खुद बताई थी ये घटना। तो ये सत्य माने, ज्योतिष विज्ञान इतना वृहद विज्ञान है, बहुत चीज़ों को सूक्ष्म दृष्टि से देखने का प्रयास करें। आपके साथ जो कार्य कर रहे हैं लोग, क्या उनका भाग्य साथ दे रहा है या वो आपके नुकसान करने के योग बना रहे हैं। देखिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने साथ भाग्यशाली लोगों को रखने का प्रयास करें, तो ये भी हमको विचार करना चाहिए ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें ज्योतिष पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं और इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इन सब का सिद्धांत बड़ा चमत्कारिक है विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। और ज्योतिष केवल ग्रह नक्षत्रों का, हजारों प्रकार की विभिन्न, हनुमान ज्योतिष, रामचरितमानस ज्योतिष, केवल शारीरिक समुद्र शास्त्र विज्ञान, पामिस्ट्री, अंक विज्ञान, इतनी प्रकार की ज्योतिष की शाखाएं हैं। वो सब की सब अपने आप में चाहे पराशर ऋषि चाहे जैमिन ऋषि, इन सब ने अनेक अनेक सिद्धांत सुंदर तरीके से विकसित करने का प्रयास किया। रावण ने अलग प्रकार की ज्योतिष लिखी, अरुण संगीता का अलग प्रकार की ज्योतिष, लाल किताब एक अलग प्रकार का विज्ञान चलती है। इन सबको सम्मिलित कर हम उन सब उपायों को लेकर, उन सब विज्ञानों को लेकर आपके समक्ष इस चैनल को रखने का प्रयास करते हैं। और जो भी आपको बताते हैं समझा कीजिए, उसे कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सही मार्ग को प्राप्त करने के लिए, सही समय का सही चुनाव करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। भारतीय संस्कृति के लिए हमने ये विज्ञान का जो कार्य किया है, हमारे आश्रम में बहुत लगातार कई वर्षों से इस पर शोध चलता रहा है। विवेकानंद योग आश्रम हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी के सानिध्य में रहते हुए बहुत सारे करीब करीब 40-50 से ऊपर ग्रंथों की रचना की गई, मुद्रा विज्ञान के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, कुंडलनी विज्ञान के ऊपर। और उन सब ग्रंथों में बहुत बृहद रूप से भारतीय संस्कृति के बारे में हम सब लोगों ने शोध करके बताने का प्रयास किया है। मुद्रा विज्ञान के संबंध में तो बड़ा अद्भुत खोज हुआ और ऐसी ऐसी मुद्राओं के सृजन किया गया कि जो अद्भुत चमत्कार उपस्थित करती हैं। जो आप समझ लीजिए कहीं मन शांत नहीं हो रहा है तो ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, कान में दर्द है तो शून्य मुद्रा का अभ्यास, आपको बहुत सारी पेट संबंधित बीमारी रहती है, गैस ठीक होती नहीं है तो ये अपान मुद्रा का अभ्यास। इस प्रकार से ऐसी सहस्त्रों मुद्राएं हैं जिनके द्वारा आँखों की समस्याएँ हैं, आँखों में बहुत सारी समस्याएँ रहती हैं, तो ये प्राण मुद्रा। ऐसे में मुद्राओं के द्वारा ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी होता है, ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को भी ठीक करने के लिए मुद्राओं का यूज़ कर सकते हैं। आपका बृहस्पति यदि ठीक नहीं चल रहा है, कमज़ोर है, तो उसके द्वारा ये मुद्रा, ज्ञान मुद्रा के द्वारा बृहस्पति की, ये बृहस्पति की उंगली है, इस मुद्रा का अभ्यास करके आप बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। नई आवश्यकता आपको नग पहनने की, नई आवश्यकता कोई और उपाय करने की, केवल इस स्विच को दबाकर आप बृहस्पति के पॉजिटिव इफेक्ट को ले सकते हैं। शनि यदि आपके जीवन में कष्ट दे रहा है, नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, तो पहली उंगली को, ये बीच वाली उंगली को, जो सबसे बड़ी उंगली है, मिडिल फिंगर को अंगूठे के बेस पर लगा देने से शनि के नेगेटिव प्रभाव को कम कर सकते हैं। ये अद्भुत देखा हुआ प्रयोग। ये दूसरी उंगली जो है वो शनि की उंगली मानी जाती है और शनि की उंगली को यदि अंगूठे के बेस पर लगा देंगे तो शनि का नेगेटिव प्रभाव कम करने के लिए अद्भुत योग बन सकता है।
कीर्ति का योग बनना है, सूर्य कमजोर है व्यक्ति कुंडली में और सूर्य राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो अनामिका उंगली को अंगुष्ठ के अग्रभाग से लगा दे तो ये सूर्य के प्रभाव को बढ़ाने के लिए अद्भुत कार्य करती है। ये मुद्रा विज्ञान का चमत्कार है। तो ये सब शास्त्र में वर्णित है और हम अपने आश्रम के माध्यम से इन समस्त विज्ञानों को आपके समक्ष समय समय पर रखने का प्रयास करते हैं। समय समय बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यक्रम भी विवेकानंद योग आश्रम में चलते रहते हैं। हर रोज करीब नित्य का प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ रहता है। आप भी उन यज्ञों में सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को होने वाले इस यज्ञ में साधारण तौर पर हम सबको सम्मिलित करते हैं। उस यज्ञ में सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। बाकी विवेकानंद हॉस्पिटल योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा संस्थान है, भारत सरकार के साथ कार्य कर रहा है। पिछले करीब करीब 30-35 सालों से ये संस्थान सुंदर तरीके से आयुर्विज्ञान के संबंध में, ज्योतिष विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान के संबंध में अपना समस्त कार्य करने का प्रयास कर रहा है। तो और माँ भगवती दुर्गा का बहुत सुंदर शिव विग्रह यहाँ विराजमान है, उनके सानिध्य में बैठकर आप उनका दर्शन करें, यज्ञ करें। अभी विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है और ये बहुत अद्भुत योग रहेगा गुप्त नवरात्रि का। माँ भगवती दुर्गा के समक्ष अपनी गुप्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए तंत्रोक्त दृष्टिकोण से गुप्त नवरात्रि जो आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होते हैं ये बहुत अद्भुत माने जाते हैं। कहा जाता है कि इसमें माँ भगवती के सानिध्य में, जागृत शिव विग्रह के सानिध्य में जो बैठकर माँ भगवती दुर्गा सप्तशती का यज्ञ करते हैं उनकी मनोकामना सिद्धि। आश्रम में हम लोगों ने इस बार विशेष तौर पर बड़ा यज्ञ रखने का प्रयास किया है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जो अभी आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से समय आरंभ हो रहा है, ऐसे में माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह का दर्शन करके, पूजा करके आप लाभ लेने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर तरीके से आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा और कल्याण के योग बनेंगे। 6 तारीख से ये सुंदर यज्ञ आरंभ होने जा रहा है 9 दिन के लिए। उसमें दुर्गा जी के विशिष्ट यज्ञ की सुंदर व्यवस्था रहेगी, आप सब लोग उसमें सम्मिलित होंगे तो आनंद रहेगा।